हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, मधु चौधरी ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम मॉर्निंग का टाइम में बनाने वाले हैं सत्तू के पराठे एंड टमाटर आलू और बैंगन की चोखा, बोलते हैं हम लोग भरता तो उसको नहीं बोलते, चोखा ही बोलते हैं। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पहले हम प्याज मिर्च लहसुन ये सब छील काट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग बने रहिए। आप लोग मेरी वीडियो पे नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ हम सत्तू ले लेंगे पहले अपने कटोरी में, जितना मुझे बनाना है अपने फैमिली के लिए उतना हम सत्तू ले लेंगे। सत्तू में क्या क्या ऐड करेंगे? अजवाइन, अजवाइन तो जानते ही होंगे आप लोग। अजवाइन को घस के थोड़ा सा ऐड कर देंगे उसमें। फिर और देखिए क्या क्या ऐड करना है। सरसों ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, लहसुन बारीक कटी हुई, नींबू, प्याज, मिर्च, और इन सब को मैं चॉप करूँगी। प्याज और मिर्च को चॉप करके डालूँगी, लहसुन कट करके डालूँगी, नींबू निचोड़ के डालूँगी, और ऐसे ही करके हमारा रेडी हो जाएगा ये वाला मसाला जो सत्तू वाला है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेगा सरसों का, ताकि जो है सूखा सूखा ना रहे और ताकि भरने टाइम जो है गिरे नहीं ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नींबू निचोड़ देंगे। और उधर हमारा आलू बॉईल हो रहा है और सिका रहा है, टमाटर मतलब पक रहा है, जिसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, पकाना टमाटर और बैंगन का चोखा जो बनाएंगे उसके लिए उसको भुना रहा है, मतलब हर तरफ से बोला जाता है। और आप लोग बने रहिए हमारी रेसिपीज़ में। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, कि जब आप लोग कमेंट नहीं बताते हो, लाइक भी नहीं करते हो फ्रेंड। तो यहाँ मैं लहसुन को, जिसको गार्लिक बोलते हैं, जिंजर अदरक को बोलते हैं गार्लिक, हम जिंजर नहीं डाल रहे क्योंकि हमको जिंजर डाल के खाना हम लोग को पसंद है, आप डाल सकते हो, ओके। तो इसमें ऐड करेंगे लहसुन को, छोटी छोटी पीस कट कर दिए। और उसके बाद हम एक कढ़ाई ले लिए, उसमें पहले सरसों के ऑयल डाल देंगे इस चोखा बनाने के लिए। हम ना कढ़ाई में बना रहे आज, वैसे हम कभी कभी बिना कढ़ाई का ही सिंपल ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मल, आज मैं कढ़ाई में इसको बना रही हूँ। उधर मैं प्याज मिर्च जो बारीक काट के रखी थी ना साथ ही साथ सत्तू वाला के साथ जो काटी थी वो इसमें डाल दी हूँ। और इसमें लहसुन थोड़ी सी डाल दी हूँ कुछ, मतलब कट करके। और मेरे इस तरीका से भी बनाइएगा, और सबके अपने अपने तरीका होते हैं रेसिपीज़ बनाने का, तो आप लोगों का तरीका अलग होगा, लेकिन मेरा भी तरीका से कभी कभी बनाया कीजिए। उसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे, जितना हम बनाना चाह रहे हैं उसका स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सबको थोड़ी सी ऑयल कम होगी, मुझे लगा कि चोखा ज़्यादा है और ऑयल कम पड़ जाए इसमें। उसके बाद मैं इधर सारे चोखा का जो मतलब आलू उलू है सबको मैं छील छाल कर दूँगी। उसके बाद इसमें फिर ऐड डालूँगी, तो आप लोग बने रहिए हमारी रेसिपीज़ पे। डाल देना है और उसके बाद इन सबको ना अच्छी तरह से धो कर, गर्म रहती है ना तो ठंडा कर लेना, नहीं तो हाथ जल जाएगी। तो इसके लिए आपको पहले पानी में सो डाल देना है। और ये सब हो गया, उसके बाद फिर इन सबको करने के बाद सारा को कढ़ाई में डाल दी। अब इन सबको मिलाएंगे अच्छी तरह से जब तक ये पूरा भुना ना जाए, मतलब एकदम पूरा, मतलब ये सब जो है ना एकदम बुका जाएगा, ठीक है, मतलब चोखा तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिला देना है जल्दी जल्दी। उसके बाद गैस को ऑफ कर दिए हैं, और इसके बाद इसको साइड में रखते हुए हम फिर पराठा का तैयारी करेंगे। उसके लिए हम आटा गूंद लेंगे, पहले आटा लेंगे। देखिए अभी आप लोग बने रहे, आप लोगों को सब दिखेंगे। और मेरी कढ़ाई साफ़ सुथरी रहती है, बता दे रहे, ऊपर ब्लैक हो गई थी थोड़ी सी, वो हो जाती है तेल के कारण, लेकिन मैं धोती जब हूँ ना साबुन से, रगड़ रगड़ के साबुन से धोती हूँ अपना बर्तन, क्योंकि मुझे बर्तन एकदम साफ़ सुथरा, मेरे हॉटपॉट देखिए अभी कितना साफ़ सुथरा, मेरा जितना ही बर्तन आपको साफ़ सुथरा ही दिखेंगे, गंदगी मुझे पसंद नहीं है फ्रेंड, आप लोग को देखता। फिर मैं फटाफट आटा गूंद लूँगी, उसके बाद फिर फटाफट मैं सत्तू का पराठा के लिए देखिए क्या करना है। एक कटोरी बनाइए, मतलब लोई लेकर कटोरी टाइप का बना लीजिए, हाथ से इसको बेल भी सकते हैं। उसके बाद सत्तू का जो रहेगा मसाला उसको इसमें
तो इसको ऐड डाल देना, उसके गोल गोल करके फिर इधर तावा थोड़े गर्म हो गया, ऑयल ले लिए हैं, ऑयल आप कटोरी में डाल लीजिएगा, तावा गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद सबको बेल करके इसके बाद तावा पे डाल दीजिएगा और ये सेक जाएगा, बन जाएगा सत्तू का पराठा। आप बने रहिए, आपको दिख जाएगा। ऐसे इंजॉय करते रहिए, आप लोग सत्तू पराठा खाते रहिए, मेरा खा लीजिए जो हम बना रहे हैं वो वाला टेस्टी टेस्टी। अभी आप लोग देखिए कितना टेस्टी, इसके साथ हम सलाद भी सलाद भी बनाएंगे। सत्तू पराठा बोलते हैं, सत्तू पराठा सब बोलने का बस प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन मेरा भी ना आजकल गड़बड़ हो जाता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ऑयल डाल करके अल्टी पल्टी करके इसको फिर हमें अपना सत्तू का पराठा टेस्टी टेस्टी बना लेना है। देखिए कितना फटाफट मैं बेलते जाती हूँ ना, गोल गोल प्यारा लग रहा है। आप लोग को बहुत ही मन करा होगा यम्मी यम्मी खाने का, खा लीजिए फ्रेंड मेरे, जितना बन रहे सत्तू के पराठे आप लोगों के लिए बना रहे हम। तो देखिए हमारा बन गया, हम आपको दिखा दिए। इसमें मेरा ना छुप गया कैमरा, मतलब हम नहीं दिख रहे क्योंकि हम कैमरा जो लगाए ना, तो क्योंकि हम कैमरा खुद से ही सब शूट भी खुद करते हैं, इधर उधर लगाना सब कुछ खुद से, एडिटिंग ये सब तो हम आप लोग को बार बार बताते हैं कि मेरा कोई हेल्प नहीं है, मेरा हम खुद ही सब कुछ करते हैं क्योंकि मेरे घर में उतना कोई है ही नहीं, दो बच्चे हैं तो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अब हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो कौन बनाएगा, हम अपने से, हम मेरा कैमरा मैन तो है नहीं कि वो लोग बना देगा वीडियो, हमको अपने से ही करना पड़ता है। इधर हम देखें फिर ऐसे करके हमारा सारा सत्तू का पराठा धीरे धीरे बन जाएगा। इसके बाद आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पे, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो और थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड, थैंक। Thank you.